नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज अभ्यास का पांचवा दिन है। आज हम आपको कुछ क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे एवं कुछ क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए हल करने के लिए देंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 200 से कम वैसी सभी संख्या जो 3 का गुणज हो उनका योग क्या होगा। इस 3 का गुणज हो तो 3 का गुणज क्या होगा? सबसे पहला तो 3 खुद होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? 6 है प्लस 200 से कम, तो 200 से कम यानी कि 199 तक में, तो 3 से विभाज्य हो या 3 का गुणज हो, बात एक ही है। तो 3 का विभाज्य या गुणज होने का एक ही शर्त है कि संख्याओं के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य हो। तो 9 तो 0 हो गया, 1 और 9 ये भी 0, तो 1 बच गया। तो 1 जो है 3 से विभाज्य है नहीं, तो इसको 3 से पूरे संख्या के अंकों को योग बनाने के लिए हमको यहां 198 करना पड़ेगा। यहां पर 198 करेगा, 198 जो है 3 से विभाजित होता है, या 198 3 का गुणज है, क्योंकि 9 1 10 8 18, या 9 को माइनस कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 9 इज इक्वल टू 0 और 8 1 9, तो 9 जो है 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, या 0 कहिए तो भी 3 से है, ठीक है। तो आप ये देखिए, पहला संख्या क्या है 3, अंतिम संख्या क्या है 198, 198, तो 3 कितने बार विभाजित हो रहा है? एक बार में। 198 कितने बार विभाजित हो रहा है? 6 तिया 18, 66 बार में, यानी कि टोटल 66 संख्या। यहाँ पर n का वैल्यू इजकल टू 66 हो गया। समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला लगा देना है, 66 भागा 2 इंटू पहला संख्या 3 इंटू प्लस अंतिम संख्या 198, इसका सॉल्यूशन कर देना है 33, तो 33 गुना 198 और प्लस 3 तो 201, 33 से कम 33, बच गया शेष 3, 0 तो फिर 3 आ गया, 33 दुनी 66, यानी कि 66 33 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 17 पर पावर 334 माइनस 16 पर पावर 321 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए, इकाई अंक के लिए मैंने यूनिट प्लेस का जो चैप्टर है उसमें आपको नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ाया था कि पावर को, पावर के अंतिम दो डिजिट को 4 से भाग दे दिया जाए, 4 से भाग दे दिया जाए, जो शेष फल आएगा यानी शेष फल 8 चौक 32 शेष फल 2, तो संख्या के इकाई अंक पर वही पावर रख दिया जाए जो कि शेष फल आया हो। अगर शेष फल 0 होता, तो ये 4 पावर में हो जाता, माइनस फिर 321, 321 का 21 पर भागा 4 तो शेष फल 1, इकाई अंक 6, 6 पर पावर 1, तो 749 का 9 इकाई अंक, 6 का 6, आंसर क्या हो गया हमारा, 9 में से 6 गया तो 3, इकाई अंक क्या हो गया 3। तीसरा क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 4 अधिक है, तो यदि अंश में 7 तथा हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 4, संख्या का मान 5/4 हो जाएगा। प्रारंभ में संख्या क्या था? तो कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या P/Q है, अंश उसके हर से P/Q परिमेय संख्या है, अंश जो है उसके हर से 4 अधिक है, 4 अधिक है, यानी कि अगर हर को हम x मानते हैं तो अंश हो जाएगा x+4, ठीक है। अब कहा जा रहा है, तो यदि अंश में 7 तथा हर में 1 बढ़ा दिया जाए,
क्या कह रहा है, यहाँ x प्लस चार और x है, तो अंश में कह रहा है सात बढ़ा दिया जाए, x प्लस चार प्लस सात, और हर में एक बढ़ा दिया जाए, x प्लस वन, तो वो संख्या पाँच बटा चार हो जाएगा, पाँच बटा चार हो जाएगा। तो प्रारंभ में संख्या क्या था, प्रारंभ में संख्या क्या था ये पूछा जा रहा है। तो प्रारंभ में संख्या क्या है हमारे पास, p बाई क्यू जो है x प्लस फोर है और वहाँ x है, तो हमको x का मान निकालना है, तो प्रारंभ का संख्या आराम से मिल जाएगा हमको। तो x प्लस ग्यारह हो गया, चार और सात ग्यारह, भागा x प्लस वन इजकल टू पाँच बटा चार। अब एक चीज़ देखिए, चार एक्स और यहाँ से पाँच एक्स, तो लीजिए पहले इसे गुणा कर लेते हैं, पाँच एक्स प्लस पाँच इजकल टू चार एक्स प्लस ग्यारह चौक चौवालीस। आइए चार को इधर करेंगे, पाँच एक्स माइनस चार एक्स इजकल टू इस चौवालीस में से इस माइनस को इधर ले जाएंगे बराबर के, इस प्लस पाँच को बराबर में इधर ले जाएंगे चौवालीस में, तो इधर माइनस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाता है बराबर के उधर जाकर, तो माइनस में चला जाएगा, तो चौवालीस में से माइनस पाँच हो जाएगा तो उनचालीस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ एक्स बराबर क्या हो गया, उनचालीस, एक्स बराबर क्या हो गया, उनचालीस हो गया, हो गया ना। तो देखिए अब क्या है, प्रारंभ में संख्या पूछा जा रहा है, प्रारंभिक संख्या पूछा जा रहा है, तो प्रारंभिक संख्या क्या था, अंश जो है हर से चार अधिक था, तो x हर है उनचालीस और अंश क्या हो गया चार अधिक तैतालीस, तो हमारा आंसर हो गया तैतालीस बटे उनचालीस, आंसर तैतालीस बटा उनचालीस। देखिए अंश जो है हर से, अंश जो है हर से चार अधिक है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, किसी संख्या का अंश हर से तेरह छोटा हो और यदि अंश में सात जोड़ा जाए तथा हर में तीन घटा दिया जाए तो परिणाम दस बटे ग्यारह आएगा, तो प्रारंभिक संख्या क्या था। तो आइए इसका हल हम करते हैं, अंश बटा हर का तात्पर्य हो गया p बाय क्यू। तो क्या कह रहा है, p में क्या, अंश में क्या हो, हर से छोटा हो तेरह, यानी x हर को, यानी उल्टा क्या कहेंगे, हर जो है अंश से तेरह बड़ा है, तो x प्लस तेरह। अब क्लाउज इसमें लगा दिया, यदि अंश में सात जोड़ दिया जाए तो x प्लस सेवन भागा, तथा हर में तीन घटा दिया जाए तो x प्लस तेरह माइनस तीन, तो परिणाम दस बटे ग्यारह आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्यारह एक्स प्लस सतहत्तर, ग्यारह गुना सात सतहत्तर बराबर दस एक्स प्लस तेरह में से तीन गया तो दस, और दस गुना दस एक सौ बराबर 11x माइनस 10x बराबर 100। ये इधर 77 बराबर के उस साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो सिंबल चेंज हो जाता है माइनस में, अगर इधर गुना है तो उधर जाने के बाद भाग हो जाता है, प्लस है तो घटा हो गया, तो परिणाम क्या आ गया 23। 100 में से 77 जाएगा तो 23 आएगा, तो इधर क्या हो गया x, तो x बराबर 23, तो यहाँ x बराबर 23 रख देंगे और x प्लस 13, 23 प्लस 13 बराबर 23 भागा 23 13 36, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा प्रारंभिक संख्या क्या था 23 बटा 36। मेरे प्यारे मित्रों आइए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, मेरे प्यारे मित्रों पहला प्रश्न है आपके लिए, 283 पर पावर 739 माइनस 432 पर पावर 26 का इकाई अंक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 432 पर पावर 635 माइनस 321 पर पावर 413 ब्रैकेट को दोनों बंद गुना 7 का इकाई अंक क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है,
तिहत्तर छियालीस पर पावर 439 माइनस 4321 पर पावर 432 प्लस 462 पर पावर 321 गुना 563 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं, नोट कीजिए इसे अपने कॉपी पर और इसका हल करें। आइए कुछ क्वेश्चन और देते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 500 से कम वैसी संख्याएं जो 4 का गुणज हो का योग क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है, 300 से कम वैसी संख्याएं जो 4 एवं 5 का गुणज हो का योग क्या होगा। छठा क्वेश्चन है, किसी परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक हो तथा यदि हर में 3 बढ़ा दिया जाए तथा अंश में 2 घटा दिया जाए तो परिणाम 7/16 हो जाएगा, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्रों, इन सभी 6 प्रश्नों का हल अपने घरों पर पेन पेपर में करें एवं अन्य भी प्रश्नों का जो इनसे रिलेटेड हो उसका अध्ययन आप करें, उसका सॉल्यूशन आप अपने घरों पर करें, किसी भी पुस्तक से उठाकर करें, अपने विचार को एक रूप देकर क्वेश्चन तैयार करके उसका सॉल्यूशन करें, आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो सारे प्रश्नों का हल आपसे हो जाएगा। आप सभी मित्रों का हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद।